तो गाइस आज का वीडियो में काट के दिखाएंगे शार्ट। तो गाइस आप लोग देखो और सीखो शार्ट हम कैसे करते हैं, एकदम इजी तरीके से आपको शार्ट काट के दिखाएंगे। तो आप लोग देखते रहो और सीखते रहो। चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसका ये शार्ट का जो लंबाई है 28। तो देखो मैंने 28 जो था 28 जो होता है किसान निशाना करता है, यहाँ आधा इंच और के मैंने 28 पे निशाना लगाएंगे। तो ये 28 पे निशाना लगा लिया और आधा इंच यहाँ से नीचे एक निशाना लगाएंगे क्योंकि ये शार्ट जो होगा साइनिस होगा। तो गाइस इसका जो चेस्ट है मतलब बॉडी है, इसका बॉडी है 36। तो आपको चार हिस्सा भी डिवाइड होगा। तो आर्म होल का हिसाब निकालने के लिए तो मैंने आर्म होल का हिसाब निकालेंगे। चार हिस्सा में डिवाइड करने के बाद मेरा आया है देखो 9। देखो 9 पे निशाना लगा लिया और एक जो निशाना है मैंने 16 पे लगा लेंगे। 16 यहाँ से आपको 16 इंची पे लगाना है क्योंकि जेंट्स का शार्ट है। यह मतलब वेस्ट का भी मेजरमेंट है, इसका हिप का भी मेजरमेंट है। तो गाइस चलो, तो यहाँ से आपको 1.5 इंची पे एक निशाना लगाना है और यहाँ से आपको एक 1.5 इंची पे निशाना लगाना है। और ये शार्ट जो होगा इनप्लेट होगा इसलिए मैंने 1.5 इंची लगाया है, मतलब अंदर रहेगा प्लेट। आपको ये निशाना जो होता है ये वाला स्केल से आपको ऐसे करके सीधा करना है, एकदम ऊपर तक ऐसे करके सीधा करना है। देखो मैंने सीधा कर लिया। अभी इसका जो नेक है गाइस 14 है मतलब 14। तो यह आपको 3 इंची जो होता है 3 इंची होने का 200 तक कम में रख के आपको जो है निशाना लगाना है। देखो मैंने निशाना लगा लिया और यहाँ आपको नीचे भी ऐसे करके लगाना है। तो पहले मैंने कॉलर का जो है ये कॉलर का निशाना मैंने लगा लिया नेक का, ये नेक होगा मतलब। तो अभी ये निशाना से आपको आधा इंच छोर के आपको निशाना एक लगाना है। देखो ऐसे करके लगाना है, लगा लिया। ये वाला निशाना नहीं, अभी ये वाला निशाना से आपको शर्ट का जो बॉडी का मेजरमेंट है मेजरमेंट करना है। आपको बॉडी का मेजरमेंट चार हिस्सा में डिवाइड करना होगा, करने के बाद आपको आएगा 9 इंची मतलब इसका बॉडी जो होता है सेट जो होता है 36। तो 9 इंची में ये वाला निशाना से आपको ऐसे करके 9 इंची में निशाना लगाना है। तो गाइस ये शर्ट थोड़ा लूज रहेगा मतलब कॉलेज का है, तो आपको 2 इंची पे रख के एक निशाना और लगाना है। तो ये 2 इंची मैंने रखा है, ये शर्ट जो होगा ना लूज सा के रहेगा 100 इंची। तो ये वाला निशाना से इसका जो पेट है मतलब वेस्ट है वेस्ट का निशाना लगाएंगे। वेस्ट है इसका 31। तो देखो यह आपको सारे समय डिवाइड करने के बाद सारा साथ 2 इंची आता है, आपको ऐसे करके निशाना लगाना है और एक्स्ट्रा करके आपको 2 इंची पे और एक निशाना लगाना है। तो लगा लिया। अभी इसका हिप जो है गाइस हिप से 39। तो आपको यहाँ आपको फीता पकड़ना है, ये वाला निशाना में पकड़ के 39 जो होता है सारे समय डिवाइड करने के बाद आपको आएगा 200 तक कम जो होता है 2 इंची इतना तक आएगा। तो यहाँ आपको रख के निशाना लगाना है और यहाँ से आपको 1.5 इंची जो होता है 1.5 इंची पे रख के एक निशाना लगाना है। गाइस यहाँ जो है यहाँ 100 इंची लूज रहेगा, यहाँ भी 100 इंची लूज रहेगा और नीचे जो होता है नीचे आपको 4 इंची लूज रहेगा क्योंकि ये जो शार्ट होता है इन करेगा मतलब छोट करेगा, तो इसलिए यहाँ 4 इंची लूज दिया है। अगर यहाँ अगर 100 इंची लूज देंगे तो आपको इन करने के बाद शार्ट जो होता है मतलब फूला रहेगा। तो ये मेरा बॉडी का मेजरमेंट हो गया है। अभी ये शॉप मैंने शेप लगा देंगे। देखो ये वाला निशाना आपको सीधा करना है ऐसे करके और ये स्केल आपको ऐसे करके लेना, लेने के बाद ये वाला स्केल फिर घुमा के ऐसे करके लगाना है और ये आपको ऐसे करके लगाना है। हो गया। तो ये वाला जो निशाना है थोड़ा ऐसे करके सीधा करना है, बस कर लिया मैंने। गाइस अभी जो है मैंने इसका शोल्डर का मेजरमेंट करेंगे। इसका जो
इसका तो शोल्डर है गाइस, इसका शोल्डर है 16 हाफ, मतलब 16 हाफ। तो यहाँ आपको यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से पकड़ना है 16 हाफ। आपको दो हिस्सा में डिवाइड करने के बाद गाइस आएगा 8 इंची 2 सूता, 2 सूता में रख के 8 इंची 2 सूता में रख के आपको निशाना लगाना है और 1/2 इंची एक्स्ट्रा करके लगाना है, क्योंकि ये सिलाई में जाएगा। ये हो गया, तो यहाँ से आपको 1.5 इंची डाउन में और एक निशाना लगाना है। देखो मैंने लगा लिया, लगाने के बाद ये निशाना यहाँ से मिलाना है, आना है। देखो ये हो गया, तो अभी यह 1 इंची दूर एक निशाना लगाना है, लगा के ये वाला शेप वाला स्केच आपको ऐसे करके रखना है, रख के ऐसे करके एक निशाना लगाना है, लगा के ये जो गोलाई जो होता है आपको ऐसे करके शेप कर देना, ये आर्म होल होगा। तो गाइस देखो मेरा हो गया है, अभी इसको मैंने काटेंगे, मेरा फ्रंट पार्ट का जो मेजरमेंट है सब क्लियर हो गया है, अभी हम इसको काटेंगे। तो मैंने इसका फ्रंट पार्ट जो होता है काट लिया है, अब इसका काटेंगे बैक पार्ट। यहाँ से आपको जुटना है कितना कपड़ा का ज़रूरत है। देखो यहाँ आपको आया है 11, तो आपको 11 करके कपड़ा जो होता है फोल्ड करना है। देखो मैंने कैसे करता है। तो गाइस अभी बैक पार्ट काटना है, तो बैक पार्ट कितना फोल्ड करना है आपको देखो। इसका जो बैक पार्ट फोल्ड करना है आपको मेजरमेंट करना, मेजरमेंट करके देखो, यह है 11, बस 11 पक्का हो गया है। अभी इसका ऊपर मैंने जो है फ्रंट पार्ट बिछाएंगे, बिछा के मैंने फ्रंट पार्ट काटेंगे, एकदम आसान हो गया। देखो ये है फ्रंट पार्ट, बाकी सब साइड करता है, एक ही लेते हैं सब लोग। से करके तो ये वाला निशाना से आपको मिलाना है, ये वाला निशाना से आपको नीचे जो है ऐसे करके मिलाना है, मिला के आपको बैक पार्ट काटना है। ये वाला आपको ऐसे करके सीधा करना है, सीधा कर लिया, और यहाँ से आपको ऐसे करके 1/2 इंची ज़्यादा करके आपको लेना है, ये जुटने का जरूरत नहीं, 1/2 इंची ज़्यादा करके लेके आपको ऐसे करके सेव कर देना है। अभी देखो बैक पार्ट जो है मेरा हो गया, बैक पार्ट काटने का आसान है, एकदम आसान है। अभी मैंने बैक पार्ट काटेंगे, मेरा बैक पार्ट देखो काटिंग हो गया है। अभी इसको मैंने कट सीधा कर लेंगे, ये हो गया है, नोज कैनर आपको हो गया, बैक पार्ट हो गया है आपका। इसका अभी काटना है योक, तो योक कैसे काटता है चलो दिखाता है। सो गाइस अभी इसको काटना है योक, तो देखो योक मैंने कैसे काटता है। से करके लिया है, देखो योक, अभी हम इसका योक काटेंगे, से करके लेना है आपको, से करके एक्चुअली ये जो योक निकलेगा मेरा 2 शॉट का योक निकलेगा, तो आप लोग 1 शॉट का योक काट लेना।
तो इसे करके आपको खास करना है, देखो जापना है, फोल करना है। देखो अभी इसका जो योक है 16 हाफ है, तो आपको दो हिस्सा में डिवाइड करना होगा। यहाँ आपको ऐसे करके दो हिस्सा में डिवाइड करने के बाद देखो 8 इंच दो सूता आ रहा है, आ गया, और आधा इंच सिलाई के लिए हो गया। और यहाँ जो है आपको 4 इंच पे रखना है, 4 इंच पे रखना है, तो गाइस यहाँ से देख, यहाँ से 100 इंच रखना है आपको, ऐसे करके सीधा 100 इंच रखने से हो जाएगा। और इसका जो नेक है, नेक का हिसाब लगाना है। देखो यहाँ मैंने फ्रंट पार्ट में दिया है 2 सूता कम 3 इंच, इधर भी उतना ही देना है। और यहाँ से आपको, तो गाइस देखो 2 हिस्सा करने के बाद आया है, ये मेरा शोल्डर है 16 हाफ 8.5 मतलब 2 सूता 8 2 सूता और आधा इंच सिलाई के लिए। यहाँ से ये 4 इंच है, और यहाँ से जो होता है ये 100 इंच है, और यहाँ से जो होता है मेरा फ्रंट पार्ट में मैंने दिया है 2 सूता कम 3 इंच, तो वो इतना है। और यहाँ से जो है मैंने दिया है 1.5 इंच, देखो 1.5 इंच देखे ये गोलाई कर दिया है। तो अभी इसको ऐसे करके सीधा करना है, और अब ये वाला ऐसे करके सीधा करना हो गया मेरा योग। तो अभी इसको काटेंगे, तो देखो मेरा योग जो होता है काटिंग हो गया, योग मेरा काटिंग हो गया है। अभी हमको काटना है स्लीव्स मतलब बाजू, तो बाजू कैसे काटता है देखो। तो गाइस ये है स्लीव का कपड़ा, तो इसको मैंने ऐसे करके फोल्ड करेंगे, देखो ऐसे करके फोल्ड करना है, फोल्ड करना है, देखो ऐसे करके फोल्ड करके और एक फोल्ड देना है इसका, इसको इसका और एक फुल करना है, देखो ऐसे करके आपको डबल करके फुल कर लेना है। देखो बाजू जो होता है कैसे करता है देखो, तो इसका जो लंबाई है, लंबाई है 24, तो आपको यहाँ से एकदम ये तरह सीधा कर देता है, छोटा बड़ा है नीचे, यहाँ से आपको एकदम फिक्स यहाँ से लेना है। लेने के बाद आपका यहाँ इसका स्लीव का लंबाई है 24, आपको 24 में नहीं लेना है, आपको जो होता है इतना इतना कम देना है, 6 इंच मतलब 1.5 इंच कम देना है, मतलब 23 इंच 2 सूता में निशाना लगाना है। लगा के आपको ये काफ इसका है 9, तो आपको इसे करके सारे पास में निशाना लगाना है, लगा के ये निशाना आपको सीधा करना है। और इसका जो मोहरी होगा मतलब आर मोहल होगा 20 इंच होगा, 36 बॉडी है, तो इसका आर मोहल 20 ही होगा। देखो 34 अगर बॉडी होता तो उसका आर मोहल होता 18, इसका 36 है, इसका 20 इंच आर मोहल होगा, तो मैंने 20 इंच आर मोहल पे काटेंगे। तब यहाँ से ऐसे करके जोतना है आपको, 20 इंच होता है कि नहीं है, देखो देखो पूरा 20 इंच हो गया है। अभी इसको मैंने काटेंगे, तो ये भी काट दिया, तो ये भी आपको काटना है, तो इसको ऐसे करके काटना है। तो गाइस मेरा स्लीव जो होता है ऑलरेडी कटिंग होने वाला है, अभी इसका मैंने तालबाट काटेंगे,
तो ऐसे करके घुमा के लेंगे। आप ताल पार जो होता है ऐसे करके आपको निशाना लगा के काट सकते हैं और आइडिया से भी काट सकते हैं। मैंने निशाना लगा के जो है काट रहा हूँ। तो ये देखो मेरा तलपट भी कटिंग हो गया है। अभी मेरा गुल्फी काटना है, गुल्फी वाला साइड। तो इस साइड मैंने जो जिस साइड मैंने तलपट काटा है उस साइड आपका गुल्फी नहीं काटना है। ये जिस साइड में तलपट नहीं काटा है उस साइड में आपको गुल्फी काटना है। देखो इस तरफ प्लाट दे के उल्टा के आपको गुल्फी काटना है। ऐसे करके आपको इतना तक आपको काटना है। मैंने अंतर से काट लिया है, आप हिसाब करके भी काट सकते हैं। 5 इंची, 4.5 इंच, 4.5 इंची हिसाब करके भी आप काट सकते हैं। तो गाइस देखो सब कटिंग मेरा हो गया। ये है बाजू इसका, ये है योक इसका, ये है फ्रंट पार्ट, ये है बैक पार्ट। तो गाइस इतना है आज का कटिंग। वीडियो अगर अच्छा लगे गाइस जरूर सब्सक्राइब करके जाना। आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ 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 जरूर सब्सक्राइब करके जाना। आज के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।